मिथुन चक्रवर्ती जी भी है, उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। भाइयों बहनों, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। यहां आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का। मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम पल पल आपके लिए जिएंगे, हम पल पल आपके सपनों के लिए जिएंगे, ये विश्वास दिलाने में आया है। हम आपकी सेवा करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे, आपका दिल सिर्फ चुनाव में नहीं, हर पल आपका दिल जीतते रहेंगे। अपने काम के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, परिश्रम के द्वारा यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, उसकी नीति, उसके निर्णयों में बंगाल के लोगों का हित ये सुप्रीम होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।